झारखंड बीजेपी में चुनाव से पहले ही मुख्यमंत्री पद के लिए लगी है होड़। क्या भाजपा अपने नेताओं को संतुष्ट कर पाएगी? भाजपा के अंदर ऐसे कई नेता जिन्होंने कर दी है मुख्यमंत्री पद की दावेदारी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा। दोस्तों, इस वक्त पूरे देश भर में दो राज्यों में चुनाव की चर्चा जो है वो जोरों शोरों से हो रही है। ये जो दो राज्य हैं, पहला है महाराष्ट्र, दूसरा है झारखंड। बात की जाए झारखंड की, तो झारखंड में इस वक्त बहुत ही ज्यादा सियासी वोल्टेज जो है, हाई वोल्टेज ड्रामा जो है वो पसरा हुआ है। दोस्तों, वहां की सियासत की बात की जाएगी तो वाकई में इतिहास जो रहा है झारखंड का वो बहुत ज्यादा दिलचस्प रहा है। कभी किसी पार्टी को बहुमत तो कभी किसी पार्टी को बहुमत, उससे पहले अगर आप जाएंगे तो किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं। तो झारखंड ने हर बार हर विधानसभा चुनाव में अपना एक अलग इतिहास रचा है, और इस विधानसभा चुनाव में क्या होगा सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है। देखिए, अगर झारखंड की बात की जाए दोस्तों, झारखंड में अभी फिलहाल सियासी घमासान के तहत तमाम पार्टियां जद्दोजहद कर रही हैं कि उनकी जो सरकार है झारखंड में बने। फिलहाल अगर बात की जाए बीजेपी की दोस्तों, तो बीजेपी बहुत बुरी तरीके से कमर कस चुकी है कि किसी भी तरीके से उनको ये चुनाव जो है जीतना है। हेमंत बिस्व शर्मा जो है पूरी तरीके से ताकत झोंक रहे हैं, चाहे फिर वो शिवराज सिंह चौहान हो, वो पूरी तरीके से ताकत झोंक रहे हैं। बाकी के राज्यों में जिस तरीके से महिलाओं के लिए नई नई योजनाएं लाई गई, झारखंड में भी वो करने की कोशिश की जा रही है। युवाओं को नौकरी का जो है वादा दिया जा रहा है, तो बहुत सी बातें देखिए चल रही है। लेकिन इसी बीच चर्चा इस बात की भी है कि भारतीय जनता पार्टी जो कहीं ना कहीं बीते दो चुनावों में भी भरपूर चर्चा में रही है, झारखंड में क्या होने वाला है, भारतीय जनता पार्टी किसको सीएम चुनने वाली है, भाजपा में कितने सीएम के दावेदार है। अगर एक कहावत कही जाए तो एक अनार सौ बीमार, ये कहा जा सकता है झारखंड की राजनीति को लेकर फिलहाल। देखिए दोस्तों, झारखंड में फिलहाल बाबूलाल मरांडी की आप अगर बात करेंगे, अर्जुन मुंडा की बात करेंगे, फिर आप चंपई सोरेन की बात करेंगे, इन सबको कैबिनेट की बैठक में सीधे तौर पर शामिल किया जा रहा है। झारखंड की जहां चर्चा हो रही है केंद्र सरकार में, केंद्र की बैठक के साथ, उस सब में उन सारी बैठकों में इन तीनों को शामिल किया गया है। इसके अलावा और भी कई दावेदार हैं जिनकी गुंजाइश जताई जा रही है कि उनको हो सकता है कि बनाया जाए सीएम। लेकिन फिलहाल सबके मुंह से लार टपक रही है कि भाई हमको सीएम बनना है तो हमको सीएम बनना है। अब सीएम कौन बनेगा ये 23 तारीख के नतीजे घोषित होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल झारखंड का जो सियासी ड्रामा है दोस्तों, वो अब शुरू होगा, क्योंकि कल ही झारखंड के चुनाव को लेकर, विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ सीधे तौर पर तारीखों की घोषणा जो है, काफी लंबे समय से जो नहीं हो पा रही थी वो तारीखों की घोषणा कर दी गई। ये जो तारीख है 13 नवंबर और 20 नवंबर को रखी गई है। सीधे तौर पर 23 नवंबर को नतीजे जो है वो घोषित हो जाएंगे महाराष्ट्र के साथ ही। लेकिन दो फेज में, दो चरण में चुनाव रखा गया है। एक कारण ये भी हो सकता है कि झारखंड में बिहारी वोटर्स हैं दोस्तों, छठ पूजा है, छठ पूजा की वजह से लोग झारखंड ही नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में भी जहां जिसकी फैमिली रहती है वहां पर वो जाते हैं और वहां से वापस आते हैं, तो हो सकता है ये भी एक बड़ा कारण हो चुनाव दो चरण में करवाने का। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ा कारण समझा जा रहा है दोस्तों, वो पार्टियों की वजह से भी देखिए हो सकता है, क्योंकि सीट जो है बहुत ज्यादा कम है। बावजूद इसके दो चरणों में झारखंड में चुनाव होना ही अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करता है। अब भारतीय जनता पार्टी जो खुलकर ये कहती है कि हम बहुत पहले से चुनाव की तैयारी करनी शुरू कर देते हैं, झारखंड को लेकर उसकी कितनी तैयारी है, और जो अंदर खाने सीएम की सीट पाने के लिए जितने दावेदार लार टपका रहे हैं दोस्तों, उनको लेकर भाजपा क्या फैसला लेगी आने वाले दिनों में, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि वाकई में इस वक्त सबकी नजर इसी बात पर टिकी हुई है कि सीएम किसको बनाया जाता है। चंपई सोरेन की बात करेंगे तो पहले झामुमो में थे, उसके बाद उनको बहुत गद्दार की एक तरीके से पदवी जो है अब धीरे धीरे मिलती जा रही है विपक्ष की तरफ से। इसके अलावा काफी सारे ट्वीट्स जो है वो भी, पुराने ट्वीट्स जो है वो वायरल किए जा रहे हैं। अभी अगर मैं आपको चंपई सोरेन के अलावा किसी नेता के ट्वीट की बात बताऊं दोस्तों, जिनका, जिनको लेकर इस वक्त झामुमो जो है वो थोड़ी सी आक्रामक नजर आ रही है, तो फिलहाल ये जो ट्वीट है ये बाबूलाल मरांडी को लेकर किया गया है, जो पहले तक कुछ और बोलते थे और अब उनकी तरफ से
कुछ और ही कहा जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ट्वीट किया है कि ये हम नहीं कह रहे हैं, श्री श्री कुतुब मीनारी जी के बोल हैं, जहां मधु रहता है वहां चीटियां जाती हैं। इसके अलावा कई तरीके के ट्वीट्स जो उन्होंने पहले किए थे वो शेयर किए गए हैं, और अब वो भारतीय जनता पार्टी को लेकर क्या कह रहे हैं ये शेयर किया गया है। तो देखने वाली बात देखिए दोस्तों ये हो जाएगी कि आने वाले विधानसभा चुनाव में झामुमो किस तरीके से वार पलटवार करती है और उसका जवाब भाजपा के पास कितना रहता है और कितना नहीं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या सोच है, आपकी क्या राय है, कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।